हमारा संगठन है दलित शोषित मुक्ति मंच, पहली बार उसने एक अखिल भारतीय रैली का आयोजन किया है अपने दम पे, लेकिन हमारा ये खुला मंच है और जो भी दलित मुद्दों पर लड़ने को तैयार है हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इतना बुरा हाल है, इतना हमला है दलितों के ऊपर कि देश के कोने कोने से लोग आए हैं। 300 लोग केरला से आए हैं, हरियाणा से 500 लोग आए हैं, जम्मू से लोग आए हैं, तमिलनाडु से, आंध्रा से और पश्चिम बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब तरफ से लोग आए हैं और उनके अंदर एक ज़बरदस्त गुस्सा है क्योंकि पिछले साल में एक तो दलितों का उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है, उनके ऊपर होने वाला अत्याचार बहुत बढ़ गया है, कहीं न्याय नहीं हो रहा है। ख़ास तौर से जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ तो बिल्कुल अत्याचार चरम पर है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में शबीरपुर के घटना के बाद वहाँ के जो सरपंच थे शिव कुमार, एक लड़का सोनू और उस इलाके का जो भीम आर्मी का नेता है चंद्रशेखर, उनको NSA में बंद कर दिया है। लेकिन आज सहारनपुर से भी 100 लोग करीब यहाँ पर आए हैं। तो एक तो उत्पीड़न बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो SC ST अट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसको डाइल्यूट कर रहा है, उसमें अरेस्टिंग पर रोक लगा रहा है। और एक तरफ जो दलितों की हालत है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ रही है, जो हमारी सरकार का कंपोनेंट प्लान हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है और सरकार लगातार कटौतियां कर रही हैं। हम लोग चंद्रशेखर जी की रिहाई के लिए आए हैं, उन पर रसूखा लगा के उनको जेल में डाला गया है। वी वांट कि उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि अब दलितों पे यहाँ पे सहारनपुर में सबको पता है कितना अत्याचार हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी को आज़ाद कर दिया जाए। जिस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जिनके घर जलाए गए, जिनकी माँ बहनों के साथ घिनौना अपराध हुआ, उन्हीं के ऊपर 15-15 मुकदमे लेकर उन्हीं पर ही रासुका लगाई गई। और जहाँ दूसरा तबका है वो तबका वहाँ पर बिल्कुल निर्दोष और निरथिर वहाँ पर रखा गया। आज अगर शेखर भाई आवाज़ उठा रहे हैं तो वो इन लोगों के अंदर वो आतंकवादी लगते हैं, कल को कोई अजय आवाज़ उठाएगा वो आतंकवादी लगेगा, या रोहित बेमुला ने आवाज़ उठाई थी वो इनको लगा था, या कन्हैया कुमार ने आवाज़ उठाई थी वो उनको आतंकवादी लगेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वहीं पर सटीक एक मुजफ्फरनगर जिला है, उस गांव में उन्होंने अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म लिया था, लेकिन जब वो तस्वीर हटाकर जाने लगे तो उन पर रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें पकड़ा और जय श्री राम के नारे लगवाए, उन पर बहुत तरह से अत्याचार किया, लठ डंडे से उन पर अत्याचार किया। तो आप ये बता दीजिए कहाँ बाबा साहब ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसमें फ्रीडम कि हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के वासी, वहाँ पर ये तो नहीं रखा कि हम भारत के हिंदू वासी, ये बात कहीं नहीं रखी गई। तो जहाँ पर बाबा साहब ने हमें सबको समानता की बात की वहाँ समानता केवल बोलने बोलने तक रह गई है, ना कि कर्मों में, ना कि बातों में। जिस इलाके में दलित रहते हैं और इलाकों से एकदम हट के काम होता है, उनके यहाँ पानी नहीं है, उनके यहाँ सफाई नहीं है और उनको अपने साथ जुड़ने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं, हम लोग इस मांग को लेके आज यहाँ पे आए हैं कि जो दलितों के साथ भेदभाव हो रहा वो नहीं होना चाहिए और उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दी दलित अट्रॉसिटीज, especially in the name of the honored killings and the discrimination, especially the government itself also imposing the discrimination on the Dalit people in the name of the budgets. Especially Telangana is claiming that the first is which been enacted the law for the special component plan in the states, but what is happening, the allotment of the budget has been allotting in papers only, but in the sense where it was be implementing, it is not being implemented. We are fighting for the special component plan properly and against the caste discrimination in our state also. हाल ही में अलवर में जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ भिवाड़ी एक कस्बा है, उसमें दो दलित स्टूडेंट्स को होली के दिन बहुत बेरहमी से पिटाई करके उनकी और उनकी हत्या कर दी गई है। और ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन कोई ऐसी मुस्तैदी से जो हत्यारे हैं, दोषी है,
उनको पकड़ने, उनको कानून के जद में लाने का कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि यही घटना किसी दूसरे तबके से होती है, जैसे एक व्यापारी का मर्डर हुआ था खैरतल कस्बे में, तो पूरा शहर, पूरा इलाका है वो उन्होंने बंद का कॉल दे दिया। लेकिन जहाँ तक ये भिवाड़ी में जो घटना हुई है दलित नौजवानों की हत्या का, उस पर कोई रिस्पॉन्स सोसाइटी का नहीं है। हम जो सबसे ज़्यादा नोट करते हैं कि जो पूरे समाज को जो ऐसी घटना के बारे में संवेदनशील होना चाहिए, वो खाली दलित मुद्दा ना बन के, लेकिन जब दलितों के साथ में होती है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दलित तबके ही या कुछ प्रगतिशील तबके जो लेफ्ट के हैं, वामपंथ के हैं, वो लोग आते हैं, पूरा समाज का कोई बहुत ब्रॉड सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता। ये जनरली हम राजस्थान में नोट करते हैं। As our parliament session is on, though it is not functioning, even we are here to put our demands of the Dalit and backward people. Dalits are in bad distress today. One thing that is due to the policy of this government, and earlier also, the neoliberal policy of the consecutive government, that has very bad impact on all people, especially the working people. And as most of the Dalit peoples are of the working groups, so they are the main victim. There is no scope for the Dalit youths to get a job, suitable job in this country, because everywhere recruitments have been stopped. As the central government is the main authority for recruitment, the railway, banking, insurance, central government departments and other public sectors, everywhere recruitment has been virtually banned for the years together. So no recruitment. Due to non-recruitment, massive unemployment in general, and particularly the hard hit is the Dalits, because these days privatization is the order. Private sector has no sympathy for the Dalits or Adivasis. आज की पोजिशन यह है हमारे जिले की, अगर कोई दलित समाज का गरीब आदमी या मोमडन कोई भी अपने हक की बात करे तो सीधी गोली मारना था दलित सरकार, इसमें कोई हमारे यहाँ कोई रहम नहीं हो रहा, क्योंकि तमाम लोग इतने भयभीत हैं कि इस मोदी की शासन से, योगी के शासन से, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा।